हेलो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीट किए थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात की थी। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में हमने मेल में सेमेनल वेसाइकल, वास डिफरेंस और इसके साथ ही हमने जो है प्रोस्टेट कंप्लीट किया था। तो अब जो है वो फीमेल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन शुरू करेंगे। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस शुरू करते हैं आज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेस्टिस को शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछ चुका है, तो शॉर्ट नोट्स का भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टेस्टिस अगर उसमें देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक बार पूछ चुका है। इसके साथ इसे क्लिनिकल एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मम्स में इसमें टेस्टिस का इन्फ्लामेशन हमें दिखाई देगा, अनडिसेंडेंट टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकली भी एक प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्टिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टिस। तो एक इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का पार्ट है, इसमें हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें टेस्टिस के बाद पेनिस पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज अ टेस्टिस। उसे हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहले देते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या याद रखना है, टेस्टिस क्या है? द टेस्टिस इज अ मेल गोनाइड। पहला आंसर क्या हो गया, क्या है? हम पूछेंगे कि इसमें टेस्टिस कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट, टेस्टिस इज अ मेल गोनाइड। मेल का गोनाइड कौन सा है? टेस्टिस। इसका होमोलोगस कौन है? तो फीमेल का गोनाइड, दैट इज अ ओवरी। तो पहला लाइन क्या हो गया, टेस्टिस इज अ मेल गोनाइड। टेस्टिस क्या है? मेल गोनाइड है। दूसरा, इट इज होमोलोगस विद द ओवरी। ये किसके होमोलोगस है? ओवरी के जैसा। जैसा काम फीमेल में ओवरी करती है, यानी कि फीमेल का जो ओवरी है वो ओवुलेशन करेगा, जो फॉलिकल्स हैं प्राइमरी फॉलिकल, उसका मैच्योरेशन वहाँ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा और वो ओवुलेशन करेगा। सेम वही काम जो मेल का गोनेट्स है, दैट इज़ अ टेस्टिस, वो यही करेगा। तो वो जो मेल गैमिट्स है, जो मेल के फॉलिकल है, उनका उनका प्रोडक्शन करेगा, उनको मैच्योर करेगा, उनका डेवलपमेंट करेगा, और उसको क्या करेगा, बाहर इजिकुलेट करेगा। तो सेम जिस तरीके से ओवरी काम करता है, उसी तरीके से मेल में क्या काम करता है, टेस्टिस। इसीलिए कहा गया है कि होमोलोगस ऑफ द टेस्टिस इज ओवरी ऑफ द फीमेल। सेकेंड लाइन क्लियर हुआ। अब आते हैं उसकी सिचुएशन। तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है? तो टेस्टिस सिचुएटेड होता है स्क्रोटम में। कहाँ होगा? स्क्रोटम में। तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में सस्पेंडेड है, लटका हुआ है। किसके थ्रू लटका हुआ है? स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू लटका हुआ है। अभी हम देखेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसके अंदर आपका वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, टेस्टिकुलर वेन है, आर्टरीज है, प्लेक्सस है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, क्रिमिस्ट्रिक मसल्स है। तो एक ऐसा जो है आपको ट्यूब दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक के अंदर सस्पेंडेड होता है थ्रू द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इसका सिचुएशन क्या हो गया कि टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम एंड इट इज सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो जो टेस्टिस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू स्क्रोटम में सस्पेंडेड यानी कि लटका हुआ होता है। क्लियर। अब इसकी पोजिशन कैसी है, क्या ये वर्टिकल है? नहीं। तो टेस्टिस जो होता है वो ऑब्लिकली है। इस तरीके से देखा जाए तो टेस्टिस कैसा होता है, ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है। ये इसका एपिडाइमिस है और इसको एपिडाइमिस पूरे अदर स्ट्रक्चर्स किसके अंदर होंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होंगे। तो जो टेस्टिस है उसकी पोजिशन कैसी होती है, तो टेस्टिस है ऐसे वर्टिकल नहीं है, ना ही वो हॉरिजॉन्टल है। वो कैसा होता है, ऑब्लिकली। इस तरीके से वो ऑब्लिकली टिल्ट होता है, ऑब्लिकली सिचुएटेड होगा, जिसकी वजह से इसका अपर पोल, ये अपर पोल सामने की तरफ फॉरवर्ड और लेटरली बेंड होगा। इसकी पोजीशन कैसी है कि टेस्टिस जो है वो ऑब्लिकली सिचुएटेड होता है, और देखिए ऑब्लिकली सिचुएटेड है और ये सामने की तरफ टिल्ट होता है, फॉरवर्ड सामने की तरफ टिल्ट होता है, जिसकी वजह से दिस वन इज अपर पोल, दिस वन इज लोअर पोल, जिसकी वजह से जो टेस्टिस का अपर पोल है वो सामने की तरफ फॉरवर्डली टिल्ट होता है और थोड़ा सा लेटरली सिचुएटेड होगा। ये हो गई इसकी पोजिशन हो गई। अब देखते हैं कि जो लोअर, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट है ना, पेयर में है टेस्टिस, टेस्टिकल वन टेस्टिकल, और दोनों एक साथ लेंगे तो टेस्टिस। तो जो राइट और लेफ्ट में दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो जो लेफ्ट टेस्टिस है लेफ्ट साइड का, वो थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन है उसकी, सिचुएशन कहें तो क्लियर हो गया। क्या क्या देखा इंट्रोडक्शन में, टेस्टिस इज अ मेल गोनाइड, होमोलोगस ऑफ टेस्टिस इज ओवरी ऑफ फीमेल, इट इज सिचुएटेड इन द स्क्रोटम विद द एंड सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, टेस्टिस लाइज ऑब्लिकली, इट इज बेंड फॉरवर्ड, टिल्ट फॉरवर्ड, दैट्स वाई द अपर पोल विल बी फॉरवर्ड एंड लेटरली, द लेफ्ट टेस्टिस लाइज लोअर टू द राइट टेस्टिस। क्लियर हो गया। ये हो गई इसकी सिचुएशन के बारे में हमने देखा। अब आते हैं इसका डायमेंशन।
तो टेस्टिस की अगर लेंथ देखी जाए तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है 3.75 सेंटीमीटर। टोटल इसकी लेंथ कितनी है 3.75 सेंटीमीटर। विड्थ सामने से पीछे की तरफ बिफोर टू बैकवर्ड अगर जाएंगे तो इसकी विड्थ होती है 2.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ अगर ऐसा लेंथ लिए ये होगा 3.7 सेंटीमीटर, विड्थ ये कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, टेस्टिस की थिकनेस कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। कितना है इसका थिकनेस 1.8 सेंटीमीटर और इसका वेट कितना होगा तो 10-15 ग्राम। ठीक है, ये पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है, वेट अगर है वो पीजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हो गया इसका साइज शेप या मैं कहूँ इसका डायमेंशन। वापस एक बार देखें तो टेस्टिस की लेंथ कितनी होगी 3.75 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होगी 1.8 सेंटीमीटर और वेट कितना होगा 10-15 ग्राम। तो यहाँ तक हमने टेस्टिस का एक इंट्रोडक्शन देखा, इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी सिचुएशन और उसका डायमेंशन। अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या क्या देख लिया, टेस्टिस में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसकी सिचुएशन देखी और डायमेंशन देखा। अब हम टेस्टिस का शुरू करते हैं एक्सटर्नल फीचर। तो अगर टेस्टिस में देखा जाए तो उसमें दो पोल आपको दिखाई देंगे, अपर पोल या लोअर पोल। ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा अपर पोल, दिस वन इज अपर पोल एंड दिस वन इज लोअर पोल। तो इसे इंड भी कहा जा सकता है, तो इसे कहा जाएगा अपर इंड या लोअर इंड। तो टेस्टिस में दो पोल है या दो इंड है, अपर पोल और लोअर पोल, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अपर इंड एंड लोअर इंड, दो पोल हो गए। दो बॉर्डर हैं, सामने की तरफ वाला इंटीरियर बॉर्डर और दिस वन इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। दिस वन विल बी द इंटीरियर बॉर्डर एंड दिस वन विल बी द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो दो पोल क्लियर, उसके बाद दो बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। दो सरफेस, ये इस तरफ, ठीक है, ये बाहर वाला कहलाएगा लेटरल सरफेस जबकि अंदर वाला कहलाएगा उसका मीडियल सरफेस। तो एक्सटर्नल फीचर की बात करें टेस्टिस में तो आपको क्या क्या दिखाई दे रही है, हर चीज़ दो दिखाई दे रही है। पोल कितने, दो, या इंड कितने, दो, अपर पोल एंड लोअर पोल, दिस वन इज अपर पोल दिस वन इज लोअर पोल। बॉर्डर कितने, दो, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दिस वन इज इंटीरियर बॉर्डर दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर। सरफेस कितने, दो, बाहर की तरफ लेटरल सरफेस और अंदर की तरफ मीडियल सरफेस। क्लियर। अब अगर हम पोल के बारे में देखें तो जो दोनों पोल हैं अपर पोल और लोअर पोल दोनों कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स और स्मूथ होंगे। दोनों जो पोल होंगे वो कैसे होंगे, देखिए ये हो गया लोअर पोल और ये हो गया इसके लिए अपर पोल, ठीक है, ये हो जाएगा अपर पोल और ये हो जाएगा लोअर पोल। दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, स्ट्रक्चर वाइज और कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। तो अपर एंड लोअर पोल बोथ आर कॉन्वेक्स एंड स्मूथ, कैसे हैं दोनों, कॉन्वेक्स हैं और स्मूथ हैं। अब अपर पोल में अगर देखा जाए तो अपर पोल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किसके अंदर है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर है। तो इंडिविजुअली वो किसको सपोर्ट करेगा, किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड को। तो मैं कह सकता हूं कि अपर पोल एंड लोअर पोल बोथ आर कॉन्वेक्स एंड स्मूथ, अपर पोल प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। किसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ देखिए अपर पोल स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसके ये एपिडाइमिस किसके अंदर है, तो किसके अंदर है आपका, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर है। तो डेफिनेटली अपर पोल एंड लोअर पोल बोथ आर कॉन्वेक्स एंड स्मूथ, अपर पोल प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये हो गया पोल। अब आते हैं बॉर्डर के बारे में, दो बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। दिस वन इज इंटीरियर बॉर्डर, पोल के बाद आप देखेंगे ये क्या कहलाएगा, इसका इंटीरियर बॉर्डर कहलाएगा। इंटीरियर बॉर्डर कैसा है, दिख रहा है कैसा है, कॉन्वेक्स है और कैसा है, स्मूथ है। तो इंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। इंटीरियर बॉर्डर कैसा है, यहाँ से आप ये पोल हो गया, पोल के बाद अगर आप ये देख रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका इंटीरियर बॉर्डर जो कि कैसा है, कॉन्वेक्स है और स्मूथ है। क्लियर। अब टेस्टिस की कवरिंग है, टेस्टिस में कवरिंग आपको दिखाई देगी, सबसे बाहर वाली कवरिंग कहलाती है ट्यूनिका वेजाइनलिस। पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका यानी लेयर, ट्यूनिका यानी कि लेयर, वेजाइनलिस। तो आपसे पूछेगा ट्यूनिका वेजाइनलिस इज प्रेजेंट इन, पहला ऑप्शन देगा वेजाइना, अब दन से वेजाइना लगा देंगे आंसर। तो याद रखिएगा कि ट्यूनिका वेजाइनलिस टेस्टिस की कवरिंग है, नॉट फॉर द वेजाइना। याद रहेगा ट्यूनिका वेजाइनलिस किस में पाया जाएगा, टेस्टिस में पाया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो टेस्टिस का इंटीरियर बॉर्डर है ये सामने वाला, ये कम्प्लीटली कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, एक लेयर से, एक ट्यूनिका से, और इस ट्यूनिका का नाम क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। नाम याद रहेगा, इंटीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स और स्मूथ है, इंटीरियर बॉर्डर कम्प्लीटली कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, और इस मेम्ब्रेन का नाम है क्या,
ट्यूनिका वेजाई नेलिस, ठीक है याद रहेगा। एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड स्मूथ एंड इट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द ट्यूनिका वेजाइनलिस। पीजी के लिए याद रखना है कि वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस किसकी लेयर है, तो टेस्टिस की लेयर है, टेस्टिस की कवरिंग है सबसे आउटर। अब आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर, तो यहां पर आ जाएगा आपका पोस्टीरियर बॉर्डर जो एंटीरियर बॉर्डर की तुलना में कैसा है, स्ट्रेट है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये कैसा है, स्ट्रेट है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा है, स्ट्रेट है, पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर में जब तुलना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो जो एंटीरियर बॉर्डर कंप्लीटली कवर्ड होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस से, तो उसके कंपेरिजन में पोस्टीरियर बॉर्डर पार्सली कवर्ड होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस से। जहां एंटीरियर बॉर्डर पूरी तरीके से ट्यूनिका वेजाइनलिस से कवर होती है, वहीं पोस्टीरियर बॉर्डर का कुछ हिस्सा ही ट्यूनिका वेजाइनलिस से कवर होगा। पोस्टीरियर बॉर्डर वापस रिकॉल करते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर इज स्ट्रेट, एक्चुअली वो एकदम वर्टिकल नहीं है, वो कंपेयर किया जा रहा है किससे, एंटीरियर बॉर्डर से। तो एंटीरियर बॉर्डर की तुलना में पोस्टीरियर बॉर्डर इज स्ट्रेट एंड इज पार्सली कवर्ड बाय ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्लियर, ट्यूनिका वेजाइनलिस। और इस पोस्टीरियर बॉर्डर का लेटरल पार्ट, इस पोस्टीरियर बॉर्डर का लेटरल पार्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करेगा किसको, एपिडिडाइमिस को। दिस वन इज एपिडाइमिस, दिस वन इज एपिडिडाइमिस। तो पोस्टीरियर बॉर्डर के लेटरल पार्ट में अटैच्ड है, लॉज करता है, लाई करेगा क्या, एपिडिडाइमिस। हमने देखा एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, वापस रिकॉल करते हैं, एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कॉन्वेक्स है और स्मूथ है। इट इज फुल्ली कवर्ड बाय द ट्यूनिका वेजाइनलिस। व्हाट इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस विच विल कंप्लीटली कवर द एंटीरियर बॉर्डर, व्हाइल द पोस्टीरियर बॉर्डर इज स्ट्रेट एंड इज पार्सली कवर्ड बाय ट्यूनिका वेजाइनलिस। द लेटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर विल लॉज एपिडिडाइमिस। तो ये हो गया इसका पोल और बॉर्डर। तो एक्सटर्नल फीचर में हमने पहले पढ़ा था दो पोल, अपर पोल या लोअर पोल, या कहूँ मैं उसे अपर एंड और लोअर एंड। फिर हमने पढ़ा उसके बॉर्डर्स, दो बॉर्डर हमने देखा, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सरफेस। चलिए तो हमने यहाँ तक क्या क्या देखा, टेस्टिस में पोल के लिए देख लिया, बॉर्डर देख लिया, अब हम बात करते हैं टेस्टिस के सरफेस के बारे में। तो टेस्टिस में दो सरफेस हैं, इस तरफ जो होगा बाहर की तरफ होगा वो कहलाएगा उसका लेटरल सरफेस, जबकि अंदर की तरफ जिधर एपिडिडाइमिस होगी वो कहलाएगा उसका मीडियल सरफेस। देर आर टू सरफेस इन टेस्टिस, आउटर वन इज द लेटरल सरफेस, इनर वन विल बी द मीडियल सरफेस। दोनों कॉमन क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो दोनों लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस दोनों कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स। देखिए इधर से देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स है, इधर से देखा जाए तो ये कॉन्वेक्स है। तो लेटरल एंड मीडियल सरफेस बोथ आर कॉन्वेक्स एंड स्मूथ। लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस कैसे हैं, दोनों कॉन्वेक्स हैं और स्मूथ हैं, क्लियर हुआ। अब जो अलग है वो क्या समझते हैं, तो जो टेस्टिस का मीडियल सरफेस है इस तरफ, दिस वन इज मीडियल सरफेस, तो टेस्टिस का मीडियल सरफेस एपिडिडाइमिस से सेपरेट होगा, ठीक है। द मीडियल सरफेस ऑफ टेस्टिस इज सेपरेटेड बाय द एपिडिडाइमिस। जो टेस्टिस का मीडियल सरफेस है वो एपिडिडाइमिस से सेपरेट होता है, कैसे सेपरेट होगा, तो हमने पढ़ा था कि ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर को कवर करती है, पार्सली कवर करती है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर कहाँ पर, टेस्टिस के मीडियल सरफेस यहाँ और एपिडिडाइमिस के बीच में ट्यूनिका वेजाइनलिस का एक्सटेंशन होता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस का क्या बन जाएगा, एक्सटेंशन बन जाएगा, जो कहलाता है उसका साइनस। देखिए वो क्या कहलाएगा, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस, क्या कहलाएगा, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस, समझ में, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस तक पहुँचना है। क्या देखते हैं कि जो टेस्टिस का मीडियल सरफेस है यानी कि ये हिस्सा, वो एपिडिडाइमिस से सेपरेटेड होता है, कैसे सेपरेट होता है, इन दोनों के बीच में ट्यूनिका वेजाइनलिस का एक्सटेंशन हो जाएगा, वो फैल जाएगी और एक्सटेंड होकर एक कैविटी बनाएगी, और उस कैविटी का नाम क्या है, उस साइनस का नाम, उस खाली जगह का नाम क्या है, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस, क्लियर हुआ, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस कहलाएगा वो हिस्सा, ठीक है। तो सरफेस में देखें तो मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस दोनों कैसे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, वो कॉन्वेक्स है और स्मूथ है। द मीडियल एंड लेटरल सरफेस ऑफ टेस्टिस इज कॉन्वेक्स एंड स्मूथ, बोथ, दोनों में वो सिमिलरिटी है। डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, उसके मीडियल सरफेस में डिफरेंस दिखाई देगा। तो टेस्टिस का मीडियल सरफेस एपिडिडाइमिस से सेपरेटेड होगा, दोनों के बीच में
ट्यूनिका वेजाइनलिस का कवरिंग जो कवर था वो एक्सटेंड हो जाएगा, और एक्सटेंड होकर क्या बना लेगा, एक खाली जगह बना लेगा। उस खाली जगह को कहेंगे हम साइनस, वो कहलाएगा साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस। क्लियर हुआ, एक्सटर्नल फीचर यहां तक कंप्लीट। इसमें एक और पॉइंट देखते हैं कि जो टेस्टिस का अपर पोल है, टेस्टिस के अपर पोल में एक कोन शेप का प्रोजेक्शन बनता है, निकलता है, दिखाई देता है। कहां पर? टेस्टिस के अपर पोल में। टेस्टिस के अपर पोल में एक कोन शेप का प्रोजेक्शन दिखाई देगा, और इसे कहा जाता है क्या, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। पीजी में पूछ सकता है कि अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस की सिचुएशन क्या है, अपर पोल, लोअर पोल, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस। याद रखिएगा कहाँ सिचुएटेड है, अपर पोल में। तो टेस्टिस के अपर पोल में एक कोन शेप्ड का प्रोजेक्शन बनता है, जिसे कहा जाता है क्या, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। सो इट इज ऑल अबाउट द कवरिंग ऑफ, इट इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर ऑफ टेस्टिस। यहाँ तक हमने कहा, हमारा कंप्लीट हुआ। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज देखा इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस, सिचुएशन ऑफ टेस्टिस, साइज, शेप, वेट ऑफ टेस्टिस, उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर में हमने उसके अपर पोल और लोअर पोल के बारे में बात की, इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में बात किया, मीडियल सर्फेस और लेटरल सर्फेस के बारे में बात किया, साथ ही हमने बात की अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस के बारे में। चलिए, तो अब जब हम बात करते हैं टेस्टिस की कवरिंग के बारे में बात करते हैं, तो टेस्टिस का जब आप कवरिंग देखते हैं तो उसमें आपको तीन लेयर्स दिखाई देगी। सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजेनिया, उसके बाद ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो जो टेस्टिस है वो ऑलरेडी कवर्ड होता है किससे, स्क्रोटम की जो लेयर्स है उससे कवर होता है। तो स्क्रोटम या स्क्रोटल से की लेयर से कवर्ड होगा। तो यहाँ पर एक हमने एक बात और बात की थी कि जो स्क्रोटम है वो बॉडी कैविटी के बाहर है, तो उसमें टेस्टिस की सिचुएशन क्यों, वापस एक बार रिकॉल करते हैं। क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस या जिसमें स्पर्म का जो फॉर्मेशन होना है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम में होना है। जितना बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे कम टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना है। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो टेस्टिस है वो कहाँ सिचुएटेड है, बॉडी कैविटी के बाहर, स्क्रोटम, एक स्क्रोटल जो बैग है उसके अंदर सिचुएटेड है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट देखते हैं कि जो स्क्रोटम की कवरिंग है, लेयर्स है, स्क्रोटम की जो मसल्स है उसकी, वो उसमें फैट डिपॉजिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो फैट होगा वो हीट के लिए इंसुलेटर है, उसमें से जो हीट है वो बाहर से अंदर नहीं जा पाएगी और अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी। तो जितना स्क्रोटम में जितना टेम्परेचर नीड है, टेस्टिस को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर रहेगा, मिलेगा उससे, ये था। तो जो टेस्टिस है वो उसको कवर करती है, कौन, स्क्रोटम की जो लेयर्स है वो टेस्टिस को कवर करती है। इसके अलावा टेस्टिस में थ्री कोट्स होते हैं, तो स्क्रोटल की लेयर्स के अलावा टेस्टिस की जो कवरिंग है वो थ्री कोट्स से बनी हुई होती है। बाहर से अंदर की तरफ जब जाया जाए, ठीक है, आउटवर्ड टू इनवर्ड जब जाएंगे तो आपको तीन लेयर मिलेगी। इसे ट्रिक्स याद रखना है, वाव, ठीक है, वाव, ट्यूनिका वेजाइनलिस, सबसे आउटर में क्या है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो अगर आप पीजी में देखेंगे तो आपको सीक्वेंस भी पूछता है, आउटवर्ड टू इनवर्ड तो देखिएगा, जो लिखा क्या है उसको, क्वेश्चन को देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो ये लिखेगा कि टेस्टिस की कवरिंग आउटवर्ड टू इनवर्ड, आप वाव से याद रखें, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर सबसे अंदर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अब क्वेश्चन अगर पलट दिया है तो आंसर भी पलट जाएगा। अगर क्वेश्चन क्या पूछा, कवरिंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ, तब क्या हो जाएगा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, उसके बाद ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और सबसे बाहर भी ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो ये हो गए टेस्टिस की कवरिंग। तो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के लेयर से कवर होता है। इसके अलावा टेस्टिस में तीन कोट होते हैं, ये कोट आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो तीन दिखाई देंगी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। एक एक कवरिंग को हम पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में। तो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो लोअर रिमिनेंट पार्ट, या कहूँ मैं परसिस्टेंट पार्ट है या पोर्सन है। परसिस्टेंट यानी कि बचा हुआ भाग है किसका, प्रोसेसस वेजाइनलिस का। तो समझिएगा कि जब ग्रोथ के समय, एम्ब्रियोलॉजिकल जब ग्रोथ होता है, जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में होता है। टेस्टिस दोनों तरफ का, राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस किस में होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। बाय द ग्रोथ, धीरे धीरे जब ग्रोथ होते जाती है तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से नीचे उतरते आता है, स्क्रोटम की तरफ बढ़ता है। तो टेस्टिस जब एब्डोमेन से स्क्रोटम की तरफ बढ़ता है तो एक लेयर के साथ वो नीचे की तरफ उतरता जाता है, उस लेयर को कहा जाता है प्रोसेसस वेजाइनलिस। क्या कहते हैं, प्रोसेसस वेजाइनलिस। तो कुछ ऐसे बच्चे आपको दिखाई देंगे कि जिसमें टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही रह जाता है।
एब्डोमेन से एक कैविटी बनती है बाय द धीरे धीरे 7, 8, 9 मंथ तक जो है टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से धीरे धीरे डिसेंड होते हुए इनग्वाइनल कैनाल बनाते हुए उतरता है कहाँ, स्क्रोटम में। तो कई बार टेस्टिस स्क्रोटम तक पहुँच ही नहीं पाता है, वो कहाँ रह जाता है, एब्डोमेन में ही रह जाता है। इसे कहा जाता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्या कहेंगे, अनडिसेंडेड टेस्टिस कहेंगे। तो जो अब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम की तरफ आता है तो अपने साथ एक थिन मेम्ब्रेन को भी लेते हुए आता है, वो कहलाता है प्रोसेसस वेजाइनलिस। तो जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है सबसे आउटर कवरिंग टेस्टिस की, वो एक्चुअली क्या है, वो उसी प्रोसेसस वेजाइनलिस का बचा हुआ हिस्सा है। ट्यूनिका वेजाइनलिस इज रिमिनेंट पोर्सन ऑफ द प्रोसेसस वेजाइनलिस। व्हाट इज प्रोसेसस वेजाइनलिस, जब एब्डोमेन से टेस्टिस डिसेंड होते हुए स्क्रोटम की तरफ आता है तो वो एक मेम्ब्रेन के साथ डिसेंड करता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्रोसेसस वेजाइनलिस। ट्यूनिका, ट्यूनिका का मतलब होता है सीथ, लैटिन में ट्यूनिका को किस मतलब क्या होता है, सीथ है, एक लेयर है, कवरिंग है। द ट्यूनिका वेजाइनलिस लैटिन में इट इज नोन एज सीथ, कैसा है, तो ये रिमिनेंट पोर्शन है किसका, प्रोसेसस वेजाइनलिस का। क्लियर हुआ, लोअर पर्सिस्टेंट पोर्शन ऑफ प्रोसेसस वेजाइनलिस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं, जो ये देखिए यहाँ पर ये जो मार्क किया हुआ है इस तरीके से जो सर्कल है वो कहलाएगा ट्यूनिका वेजाइनलिस, सबसे आउटर है। ये इन्विजिनेट होता है, इन्विजिनेट हमने पढ़ा था, इन्विजिनेशन इनवर्ड और इविजिनेशन पढ़ा था, ये इन्विजिनेट करता है अंदर की तरफ आएगा, कैसे, टेस्टिस के पीछे की तरफ से, टेस्टिस के बिहाइंड से ये इन्विजिनेट करेगा और टेस्टिस को कवर कर देगा कम्प्लीटली। इसलिए ट्यूनिका वेजाइनलिस के दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होगा वो कहलाएगा उसका पेराइटल लेयर, और जो टेस्टिस के साथ लगा होगा वो कहलाएगा उसका विसरल लेयर। हमने क्या देखा कि जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है वो इन्विजिनेट होता है, इन्विजिनेटेड होता है किस तरफ से, पीछे की तरफ से, बिहाइंड। इसलिए इसके दो लेयर बनते हैं, यहाँ देखिए ये आउटर वाला लेयर जो कहलाएगा बाहर की तरफ है, पेरीफेरी में है, वो कहलाएगा पेराइटल लेयर, और अंदर की तरफ है वो कहलाएगा उसका विसरल लेयर। ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनलिस इन्विजिनेटेड फ्रॉम द बिहाइंड, दैट्स वाई इट हैज़ टू लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर विल बी पेराइटल लेयर और इनर लेयर विल बी द विसरल लेयर, और दोनों के बीच में एक सफिशियंट स्पेस है, ठीक है, एक कैविटी बनेगी, ठीक है, द कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्लियर हुआ, ट्यूनिका वेजाइनलिस इज इन्विजिनेटेड फ्रॉम द बिहाइंड, दैट्स वाई इट हैज़ टू लेयर, आउटर वन इज द पेराइटल लेयर, इनर वन इज द विसरल लेयर, एंड इट हैज़ अ कैविटी विच इज नोन एज कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्लियर हो गया, ट्यूनिका वेजाइनलिस हमने देखा था कि जो इंटीरियर बॉर्डर है वो कम्प्लीटली कवर्ड होगा किससे, ट्यूनिका वेजाइनलिस से, जबकि ये किसको कवर नहीं करता, पार्शली कवर्ड होता है, कौन, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस कम्प्लीटली कवर करता है इंटीरियर बॉर्डर को, किसको कम्प्लीटली कवर नहीं करता है, तो पोस्टीरियर बॉर्डर को। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ट्यूनिका वेजाइनलिस कवर्ड इंटायरली इंटीरियर बॉर्डर वाइल इट इज पार्सली कवर्ड द पोस्टीरियर बॉर्डर। सो इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कवरिंग, दैट इज अ ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, तो तीन कोट होते हैं, तीन कोट में से पहला ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड कोट हो जाएगा आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड कोट हो जाएगा आपका क्या, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी कवरिंग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।